अभी अभी की बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक दिन में 22 लोगों की मौत के बाद एक्शन में है सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर है कि एम्स के डायरेक्टर के विशेष विमान से अहमदाबाद भेजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को अस्पताल को दौरा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, एक दिन में 22 लोगों की मौत के बाद एक्शन में है सरकार। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्स के डायरेक्टर के विशेष विमान से अहमदाबाद भेजा गया है। जैसा कि अहमदाबाद में स्थिति डे बाई डे खराब होती जा रही है, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को अस्पताल का दौरा करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जैसा कि देख सकते हैं कि इस वक्त जैसे जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो अहमदाबाद से आ रही है। अहमदाबाद में एम्स के डायरेक्टर विशेष विमान से अहमदाबाद उनको भेज दिया गया है। वहाँ पर हालात बहुत खराब होती जा रही है। इसमें प्रशासन ने डिसीजंस लिया है कि वहां का जायजा लिया जाए और हकीकत पता किया जाए कि एक्चुअली क्या है। बात करें कि गुजरात में अहमदाबाद में कोरोना में एक दिन में 22 लोगों की मौत के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। इसी बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को वायुसेना विमान से अहमदाबाद भेजा गया है और बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बिगड़ते हालात को निपटने के लिए आनंदीबेन पटेल को फिर से सीएम बनाने की मांग की गई है। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 300 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद शुक्रवार को संक्रमित मरीजों की संख्या 7403 हो गई है। प्रमुख सचिव ने कहा, रवि ने बताया कि 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई है, मृतकों की संख्या 449 हो गई है। उन्होंने बताया कि 163 मरीज इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी कर दी गई है। राज्य अभी तक 1872 संक्रमित लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। अभी तक कुल संख्या जो है 105,387 अभी तक टेस्ट हो चुका है। अब इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को और डॉक्टर मनीष सुरजा को अहमदाबाद भेजा है। दोनों को सिविल अस्पताल में SBBV अस्पताल का दौरा करेंगे। डॉक्टर ने हालात को काबू पाने के लिए लेकर बात करेंगे। जयंती रवि ने बताया, कहा कि दोनों विशेषज्ञ दिल्ली के विशेष विमान से यहां पहुंचेंगे और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में SBBP अस्पताल का दौरा करके हालात का जायजा लेंगे। दोनों विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर से बताया कि ये फीडबैक भी देंगे कि यहां पर क्या हालात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने पता है तो आज के न्यूज में यही है। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि इसी तरह से हम आपके नई नई वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए STG न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।